नमस्कार मित्रों, जय सियाराम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। वृश्चिक राशि वालों दोस्तों, हो जाइए सावधान, क्योंकि दोस्तों बजरंगबली का गुस्सा फूट चुका है, बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मात्र 4 दिनों में महा चमत्कार होगा। दोस्तों पिछले 150 सालों की तुलना में मंगल, शुक्र और बृहस्पति आपके कुंडली के सबसे मजबूत भाग्य भाव में विराजमान हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, मात्र 4 दिनों की बात है, फिर आपकी कुंडली में परिवर्तन से भी बड़ा महापरिवर्तन देना शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब आने वाले समय में संकट मोचन हनुमान जी अपने भक्तों को अपने अनुसार फल देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगले 4 दिनों में कौन कौन से शुभ और कौन कौन से अशुभ समाचार मिलने वाले हैं। दोस्तों ग्रह गोचर काफी परिवर्तन कर चुके हैं, जैसे कि सूर्य का राशि परिवर्तन हो चुका है, मंगल का राशि परिवर्तन हो चुका है और बुध का भी राशि परिवर्तन हो चुका है। इसके अनुसार आने वाले अगले 4 दिन व्यापार कैसा रहेगा, नौकरी कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो आपका परिवार कैसा रहेगा, सभी जानकारियां ग्रह गोचर पर 100% सटीक है। वीडियो में शुरुआत से लेकर हमारे अंत तक बने रहिएगा, सभी जानकारियां आपको बताएंगे। वीडियो के अंत में हम उपाय भी दिए हैं, जो कि ये उपाय करके आने वाले समय को आप शानदार बना सकती हैं। और दोस्तों वीडियो के बीच बीच में हम सावधानियां बताएंगे कि अगले 4 दिनों तक किन कार्यों को आपको करना चाहिए और किन कार्यों को आपको नहीं करना चाहिए, किन क्षेत्रों में आपको फायदे होंगे और किन क्षेत्रों में आपको फायदे नहीं होंगे, सभी जानकारियां आज की इस वीडियो में समाहित है। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी श्री राम जी के भक्त हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम का जयकारा जरूर लगा दीजिएगा। प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद कृपा दृष्टि आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छे विचार से। दोस्तों धरती पर रहता इंसान रोज अपनी दौलत गिनता है, कल कितनी थी और आज कितनी बढ़ गई, और ऊपर वाला बैठा ईश्वर हंसता है और वो इंसान की सांसें गिनता है कि कल कितनी थी और आज कितनी कम हो गई। जब तक आप जिंदा हैं तब तक अपना अपना कर लीजिए, मरने के बाद निधन ही लिखा जाएगा। इसलिए जब तक जिंदा हैं अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा व्यवहार रखेंगे, वही आपके साथ ऊपर तक जाएगा। इस दुनिया में सबसे अमीर इंसान वही है जो अपने जीवन में खुश है, इसलिए हमेशा खुश रहें और अपनों के साथ खुशियां बांटें। देखिए दोस्तों आने वाले 4 दिन आपके लिए बहुत खास रहने वाले हैं, क्योंकि ग्रह स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है। इस समय आप नई नई जानकारियां हासिल करने में जरूर व्यतीत करें, इससे आपको काफी सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। और अगर आप किसी प्रॉपर्टी या फिर जमीन जायदाद खरीद फरोख्त संबंधित किसी कार्य के लिए प्रयासरत हैं तो आपका वह कार्य आसानी से बन सकता है। कुछ नए नए संपर्क भी बनेंगे जो कि आपके लिए फायदेमंद लाभदायक साबित होंगे। और दोस्तों से सबसे अच्छी बात यह है कि आपने पहले किसी को पैसा कर्ज दिए थे या किसी को रुपया पैसा उधार दिए थे तो वो पैसा आपको बड़े आसानी से मिल जाएगा और इससे आपकी काफ़ी आर्थिक स्थिति सुधार होगी। वहीं दोस्तों अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो यह समय किसी भी विपरीत परिस्थिति में गुस्से और आवेश में न आए तथा शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकालें, आपको सभी समस्या का समाधान तुरंत निकल जाएगा। आप और आय के समाधान बनाएंगे, इससे खर्चों पर भी नियंत्रण रखना आपके लिए जरूरी है। बच्चों के फ्यूचर को लेकर कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लें, अन्यथा आने वाले दिनों में आपके लिए परेशानी हो सकता है, इस बात का जरा ध्यान रखिएगा। इसके उपरांत योजनाएं बनाने के साथ साथ उन्हें कार्य रूप देने का भी प्रयास करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए दोस्तों
अच्छे से सोच विचार करके कार्य करें, और जब कार्य का समय आ जाए तो सोचना बंद करके अपने कार्यों में ही समय लगाएं और उसी पर ध्यान फोकस करें, तो आपका कार्य 100% के साथ सफलता मिलेगी। क्योंकि सही समय सही पर निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है। बातचीत के लहजे में थोड़ी सी आपको नरमी बनाकर रखना होगा। आवेश में आने से संबंध आपके बिगड़ सकती हैं, इसलिए आपको आवेश में नहीं आना है और गुस्से को खासकर अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। बच्चों की समस्याएं सुने और उनका समाधान निकालें, ये आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। राजनीतिक तथा सामाजिक संपर्कों को और अधिक मजबूत करें, यह संपर्क आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। विद्यार्थियों तथा युवाओं को किसी प्रतिस्पर्धा में सफलता मिलने की उचित संभावनाएं बन रही है। उचित समय में किए गए कार्यों के परिणाम भी उचित ही मिलते हैं, इसलिए जो कार्य है उसी समय के लिए होता है, उसको उसी समय में करने की कोशिश करें, सफलता आपकी कदम चूमेगी। इसके उपरांत रुपये पैसे संबंधित लेन देन करते समय आपको उस समय लापरवाही करना नुकसानदायक रह सकता है। किसी को भी अगर आप रुपया पैसा दे रहे हैं तो दोबारा तिबारा जरूर सोच लें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए दोस्तों, त्योहारों की वजह से घर में चहल पहल भरा माहौल रहेगा। किसी भी पारिवारिक सदस्य के विवाह संबंधित बेहतरीन प्रस्ताव आ सकता है। आपसी वार्तालाप द्वारा घर में संबंधी कोई मसला भी हल होगा और खर्चों की अधिकता रहेगी और उन पर कटौती करना अभी आपके लिए संभव नहीं होगा, जिस वजह से आर्थिक स्थिति भी गड़बड़ा सकती है। आपको इस पर जरा ध्यान रखना होगा। फिजूल खर्ची आपको एकदम नहीं करना है, इस बात का जरा गांठ बांध लीजिएगा। पारिवारिक मामलों को व्यक्तिगत ना करें, वरना कोई इसका नजायज फायदा उठा सकता है और बैठे बिठाए मुसीबत भी गले आ सकती है, इस बात का जरा ध्यान रखिएगा। वहीं दोस्तों, अगर आपकी व्यवसाय को लेकर बात करें तो यह समय व्यवसायिक कार्यों में बहुत अधिक बेचैनी रहने की जरूरत है। आपको बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है। इस समय वर्तमान व्यवसाय के अलावा अन्य क्षेत्र में भी ध्यान केंद्रित रखें, क्योंकि आय का कोई स्रोत बनने की भी स्थिति बन रही है। स्टाफ के सहयोग से रुका हुआ काम शुरू हो सकता है। इसके उपरांत आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपनी क्वालिटी को और अधिक बेहतर बनाने का प्रयास करना होगा। इसकी वजह से कोई ऑर्डर हाथ से निकल सकता है। देखिए दोस्तों, ज़्यादा समय की लापरवाही करेंगे और तो दिक्कत हो सकता है, यह डील कैंसिल भी हो सकता है। सरकारी सेवारत लोग पब्लिक प्लेस पर किसी के साथ भी बात विवाद अभी आप ना पड़ें, क्योंकि वह लंबा हो सकता है, लंबा खिंचा सकता है और आपके लिए परेशानी बढ़ सकता है। शांत रहें, सतर्क रहें, यही आपके लिए अभी अच्छा रहेगा। दोस्तों, अगर खास उपाय की बात करें तो इस दिन आपको सबसे पहले एक पान का पत्ता लेना है और इस पत्ते पर सिंदूर और फिटकरी से बांध लेनी है। इसके बाद सुबह या शाम में अपनी सुविधा के अनुसार पीपल के पेड़ के नीचे किसी पत्थर से दबाकर चले आना है, और याद रखना है वापस आते समय पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है, इस बात का जरा ध्यान रखिएगा। ये चमत्कारिक उपाय जरूर कीजिएगा, आपको जरूर लाभ होगा। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अपना कीमती वक्त देने के लिए और वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। दिन आपका शुभ हो। माता रानी आपके सारी जरूरतें सारे सपने जल्द ही पूरे करेंगे। धन्यवाद।